कुदरत और इंसान। किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज मैं ना नींबू की बात करूंगा ना अमरूद की बात करूंगा, आज मैं बात करूंगा एक कोरोना योद्धा के भाव की। जी हाँ, डॉक्टर पुनीत त्यागी। डॉक्टर पुनीत त्यागी एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में। उन्होंने कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक कविता लिखी है और जब वो मुझे भेजी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसमें कोई इंट्रो लगाकर और मैं इस पर अपने चैनल पर चला सकता हूँ, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। इससे पहले कि हम कविता सुने, आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर पुनीत त्यागी एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में काम करते हैं। पल्मोनोलॉजी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी हमारी श्वसन प्रणाली है, ये उसका इलाज करते हैं। किसान साथियों, श्वसन प्रणाली आपके जब नाक और मुंह के बाद में जो हवा प्रवेश करती है और जब वो फेफड़ों तक पहुंचती है, उसके अंदर जितनी भी आपके जो आपके शरीर के अंग होते हैं वो सब श्वसन प्रणाली कहलाते हैं। इसमें कई तरह के रोग होते हैं, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, आपका दम फूल रहा हो, आपको निमोनिया हो, आपको टीबी हो, इस प्रकार की बीमारियों का इलाज एक पल्मोनोलॉजिस्ट करता है। डॉक्टर त्यागी की जो स्पेशलाइजेशन है, जो निपुणता है, वो ब्रोनकोस्कोपी में है। ब्रोनकोस्कोपी क्या होता है कि एक नली डालकर देखते हैं दूरबीन द्वारा, और वो ये देखते हैं कि जो आपकी श्वास नली है उसमें कोई अवरोध तो नहीं है, या आपकी श्वसन प्रणाली में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये उसके स्पेशलिस्ट हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी बताऊंगा। डॉक्टर पुनीत त्यागी ने अपनी स्कूली शिक्षा सहारनपुर से शुरू की थी और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया था। उसके बाद श्वास संबंधी रोगों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ से इन्होंने MD किया और स्पेशलाइजेशन लिया ब्रोनकोस्कोपी का। डॉक्टर त्यागी सहारनपुर के रहने वाले हैं और मेरे पास ही उनका एक गांव है फेराहेड़ी, वहाँ के रहने वाले हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ क्यों आए आप इस छोटे से शहर में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दिल्ली में भी रह सकता था, पर मुझे अपनी जड़ों के नज़दीक रहना थोड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैं यहाँ से आया कि मैं अपने गांव भी जा सकूं फ्रीक्वेंटली। तो आइए सुनते हैं उनकी कविता, उनकी जगह। बड़ी हैरानी है कैसी ये कहानी है, चारों तरफ आज छाई वीरानी है। हर बार इंसान लिखा करते थे, इस बार कुदरत ने लिखने की ठानी है। इंसान जब खुद को कुदरत से ऊपर समझने लगा, नजरों में कायनात की वो धीरे धीरे गिरने लगा। खुशफहमी ताश के पत्तों सी ढह गई, फिजूल ख्वाहिशें चंद पलों में बह गई। किसी को गुस्सा है तो किसी को डर है, किसको दोष दीजिएगा, जल रहा जब हर घर है। पांव थम गए हैं सबके, कोई सफर नहीं है, क्या ऐसी शाम है ये जिसकी सहर नहीं है। ऐ इंसान, तू भी तो कुदरत का हिस्सा था, क्या सोचकर फिर उससे लड़ने चला था। तेरे होने या ना होने की किसे है परवाह, यहां कौन सुनेगा तेरे किस्से, तेरी दास्तां यहां। झूठे ख्वाब खरीदने को तू रोज घर से निकलता था, धरती की छाती रौंदता था, हवाओं में जहर भरता था। आज रास्ते तन्हा होकर भी खुशनुमा है, हवाएं दिल लगी कर रही हैं, जहर से जुदा हैं। ताकत पर इतना तुझे
क्यों गुरूर हुआ, कैसे तू अपनी कमजोरियां भूल गया, चांद की छाती पर तो झंडा गाड़ आया तू, एक वायरस के सामने आज तेरा घमंड चूर हुआ। अभी भी तुझे कहां समझ आ रहा है, दोष तू एक दूसरे पर लगाए जा रहा है, गुरूर का लिबास उतर नहीं रहा है, अपनी दकियानूसी सोच चलाए जा रहा है। अभी भी वक्त है, समझ जा, संभल जा, बेतुके ख्वाबों को ताक पर रख दे, वक्त के चंगुल से जरा बाहर आ, शुक्र मना यह सिर्फ खतरे की इतिला हो, कुदरत से जरा तू खौफ खा, यह मौका फिर मिलेगा या नहीं, यह तो आज किसी को भी नहीं पता। बड़ी हैरानी है, कैसी ये कहानी है। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना कुदरत और इंसान के बीच की कसमकस। कितना बेबस हो जाता है कभी इंसान, कैसे वीरान पड़े हैं सब जगह। आज मैं दवाई लेने डिस्पेंसरी गया तो मुझे सड़कें वीरान सी दिखाई दी। हाँ, एक चीज़ का दुख हुआ कि वहाँ पर जितने लोग भी थे वो ये समझने को तैयार नहीं थे कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाई जाए। सब एक के पास एक सटकर ये सोच रहे थे कि मेरा नंबर सबसे पहले डॉक्टर के पास आ जाए। किसान साथियों, आप लोगों के सामने भी अगर इस समय की समस्या आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।